हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। सुबह सुबह मैं आपको दिखाने चल रही थी कि रात में बड़ी तेज बारिश हो रही थी। अभी मैंने बालकनी नहीं खोली है, देखती हूँ, देखो कितनी बारिश हुई है रात को, टप 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 पीछे, क्योंकि बालकनी में सुनती रही, मैं उठी नहीं, बस आलस में रही। मैंने कहा हाँ शायद बारिश हो रही है, बस इतना सोच के और लेटी रही। हाँ, पूरा सड़क पे पानी है, जगह 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 जगह। अभी तो बंद है बारिश, हाँ बंद है, अभी बंद है बारिश, लेकिन देखो पूरी सड़क पे जगह जगह पानी है वहाँ तक। इधर देखो तो इधर से भी देखो पूरी सड़क भरी है पानी से चारों तरफ, यानी कसके हुई है बारिश, तेज हुई है रात में। अब चलें कुछ किचन में लग जाएं, कुछ काम कर लें। गुड्डा तैयार हो रही हैं, आज जल्दी है इनकी, 8 बजे, सुबह 8 बजे से जाना है इनको, तो तैयार हो गई हैं। तो मैं इनको दूध वगैरह दे देती हूँ और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गुड्डा निकल गई बारिश में, देखो पानी। बाय। बारिश की काफ़ी अच्छी बारिश हुई लग रहा है, रात में पूरा गीला हो रखा है। तो यहाँ देखिए सुबह का 6 जैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, इस समय 12:30 हो रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। और हालत देखिए, अब मैंने देखो स्वेटर तो पहने, ऊपर से शॉल और ले लिया है। बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हो। अभी बारिश और फिर होने लग गई है, सुबह मतलब रुक रुक के हो रही है। सुबह एक बार होने लग गई तो बंद हुई थी, फिर हो रही है। और पानी देखो सड़कों पे जमा हो रहा है, ये धुल जा रहा है सर। मेरे पौधों को ठंडी ने लग जाए, अभी अभी लगाया है मैंने। अरे डॉग ऐसे पानी मिल जाता है। दाल मेरी सीटी दे रही है, खाना मेरा सब बन गया है। विभु तो खाने के मूड में नहीं है, पापा से अपने फोन करके पिज्जा ऑर्डर करवा लिए हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं हुई नहीं इधर। अरे देख रहे हो पर्दे में, देखो पर्दे में, ये क्या गिर जाएगा? वो पता है एक बार दो बार गिर चुका है वो नीलम आंटी पे। हाँ उससे मजाक नहीं, हाँ जबरदस्ती सीटी मत दिलाओ। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? सीटी आज ही कट गई, टूट गया है, दाल बह गया। तो सही बात है कि हमारे घर में सच में कह रहे हैं कि कह दो कि नया मेहमान आया है, ये देखो ना। हाँ। और पुराने की विदाई हो रही है, जो हमारा काफी सहयोग दिया इसने, बहुत सपोर्ट किया, साथ निभाया। बात सही है, लेकिन ये नई थोड़ा नई चीज होती है, पुरानी पुरानी होती है। चलो देखते हैं कैसा है ये। ये लेटेस्ट मॉडल इस तरह ये है, लिप नहीं, लेग्स प्योर, लेग्स प्योर। देखो पूरा पैकिंग है ये, ये देखो। अच्छा फिनिशिंग बहुत प्यारी। लीटर कितने लीटर के हैं? उतने ही लीटर, थोड़ा छोटा रहता है इसका, लेकिन चीज बढ़िया है ये। हाँ ये थोड़ा उससे दिख रहा है आपको, सोवर देखो कितनी क्वालिटी, एवरी मॉडल है, लग्जरी स्टाइल है पूरा। फ्लोट फ्लोट देखो आप, प्लास्टिक देखो क्वालिटी वाली। मम्मी नहीं, इसकी मशीने कहाँ, पीछे ही साइड में लगी है मम्मी। अच्छा अब डॉक्टर साहब को वीडियो भेज दो, जिससे डॉक्टर साहब को संतुष्टि हो कि हाँ मॉडल सही है। ठीक है बिल्कुल। हैवी बाउल है इसका। अच्छा हम लोग ये हैवी में लगाते हैं, जहाँ पर करीब 12-13 मंजिल का होता है। अच्छा लेकिन कंपनी देख लो सब अपने हिसाब से देती है कि हाँ भाई इनको बाउल देखा आपने? ये बाउल देखो एक सिंपल और दूसरी देखो आप क्वालिटी कैसा वाला होगा ना, कंपनी वालों 1500 में होता है। अच्छा तो जैसे कोई रीसेल में ले, पुराना लेना चाहे तो 2500-3000 में आप दे दोगे? 3000 में दे देंगे। अच्छा केंट का भाई, अगर नहीं लोकल वाला, लोकल वाला मैं तैयार करूंगा, बाकी इसमें सामान लगाऊंगा, महंगा करूंगा इसको तैयार करके। कितने का जाएगा? केंट की फिटरी 1000 रुपए की डलते हैं इसमें, सेडिमेंट कार्बन, फिर बाउल कैंडल इंस्टॉलेशन, यही अभी मेरे करीब 2000 रुपए का, 2 से 2500 खर्चा होगा। ये मैं बेचूंगा 5 में। हाँ लेकिन अभी बिकेगा नहीं, इतनी आसानी नहीं है, ये रखा रहेगा अभी।
मैंने लिपियो का भी उतारा था, लिपियो का आज तक नहीं बिका, फिर लास्ट में आके मैंने उसको खोल खाल के अपने घर में रख दिया। तो अगर रीसेल में कोई नहीं पूरा पैसा दे सकता है तो वो एक्सचेंज ऑफर भी लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। हाँ, इस तरीके से इसको लगवाना भी ऐसे भी कोई खराब थोड़ी हुआ है, लेकिन अगर कोई एक्सचेंज करना चाहे तो उसको भाई कहा 17,000 रुपए, कहा 5,000। तो सही बात, चलो ठीक। वो जो दोनों कील लगी हुई है उधर साइड, वो हटा देंगे अपन, है ना, नहीं तो अड़ेगा। नहीं नहीं हटा देंगे ना, निशान बन जाएंगे नहीं तो। और इनको लगी रहना तो इस पर कुछ चीज वगैरह टांग देना। नहीं कुछ टांगते नहीं है, निकाली देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ। ये लाइन आ रही पानी की, एक ये इधर होल हो जाएगा इसका, एक इधर हो जाएगा। ठीक है हाँ। उसकी टंकी 5 लीटर की रही होगी पहले वाले की ना, पहले वाली की 8 लीटर 8, और ये वाली की ये 5 से 5.5 या 6-7 लीटर की करी होगी। इसको लिखा होगा डब्बे पे अच्छा प्री फिल्टर 3 ये, एक अल्कलाइन है ना, 4 ये। मुझे लगता है कि उसके फिल्टर ज्यादा बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, सब में कार्बन होते हैं, वही कार्बन इसमें, यही कार्बन इसके नारियल से कार्बन बनता है, आप सर्च करो गूगल पे जाके। अच्छा हाँ, सिर्फ प्लास्टिक का, ये भी अच्छी प्लास्टिक के देखो फिल्टर है, और वही कैंट के हैं सेम। अभी कितना है, 150? हाँ 150, अभी धीरे धीरे सेट होगा। हाँ नहीं कमी है, 150 से कम है तो से, नहीं अभी कम और होगा ना सेट। हाँ, होने के बाद हाँ, कितना हो जाएगा, 100 के करीब आ जाएगा। मेरा बर्थडे ब्लॉग चल रहा है यार। एक मेरे मुंह पे लगा दिया अभी बोले। और ये ऑन होते ही नीचे की जल जाएगी, वो बंद हो जाएगी। अच्छा रेड लाइट बंद होगी। हाँ। और वो करने पे ब्लू जल जाएगी भर जाने के। हाँ हाँ। अच्छा चाय नमा नमा ओ मतलब शुक्रिया, आपने पूरा मंत्र नहीं बोला, मैंने पूरा बोल दिया। इनकी भरने पे तो खाली करना ही है पूरा ना। हाँ ये आपका पट्टा। ठीक है बाय बाय केंट। बाय बाय केंट। चलो भाई मेरा कैंट जा रहा है, मुझे दुख लग रहा है। तो साल पुराना। तो शर्मा जी के नंबर मैं नीचे डाल दूंगी, किसी को भी यहाँ पे यहाँ के लोगों को जिसको भी लगवाना हो तो इनको फोन कर सकते हैं आप लोग। बेस्ट सर्विस है, बेस्ट सॉल्यूशन है, बिल्कुल बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट सॉल्यूशन। ओके बाय बाय, थैंक यू। अभी शाम के 6:15 बज गए हैं। आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। बैगन रख दिया, इसके नीचे आलू है, टमाटर है, धनिया पत्ती है, सब काट लिया है। तो ये मैं सब्जी बना रही हूँ। मौसम आपको दिखा दूँ, बगल में ही आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। अभी भी बादल जैसा मौसम हो रखा है, नीचे थोड़ा बारिश रुकी है इस समय पे, अभी थोड़ी बारिश बस थोड़ी सी रुकी हुई है, और गाय थोड़ा टहलने लग गई, भूख लग गई है बेचारी सब गायों को, क्योंकि आज इनको ज़्यादा कोई मिला नहीं होगा खाना वगैरह, लोग दरवाजे बंद रखते हैं, बारिश हो रही थी तो सबको ठंडी लगती है दरवाजे बंद करके, सब के सब दरवाजे बंद करके अंदर हो रखे हैं, तो गायों को भी भूख लगी है, टहल रही है सड़क पे, तो मेरे पास भी रोटी नहीं है। आज बच्चों ने ख़त्म कर दिया है शाम को भी, अभी चल रही हूँ बनाने के लिए, नहीं तो मैं दे देती। अभी तो पहले तो ये सब्जी मेरी बन जाए, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी ये बना दे रही हूँ, चलती हूँ। अभी गुड्डा के लिए दूध बना के उधर रख दी हूँ, बस थोड़ा सा दाल क्योंकि बनाया था थोड़ी बच गई है, ये मैंने अभी सलाद काट दिया है, ये दाल अभी बच गई है थोड़ी, और चने की सब्जी भी है। तो शाम का इन सबका पूरा व्यवस्था हो गया है, तो मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं सब्जी बना लेती हूँ, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें मैं आलू और बैंगन पहले डाल के भून लूँगी, ये देखिए डाल दिया। और सब्जी को भूनते हुए काफ़ी देर हो गई, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस समय। अभी मैं इसको ढकूँगी, ढक के थोड़ी देर तक पकाऊँगी, फिर इधर टमाटर और धनिया पत्ती दोनों डालूँगी। आलू बैंगन की सब्जी बन बिल्कुल तैयार है, क्या मस्त सब्जी बनी है। धनिया पत्ती और डाल देती हूँ थोड़ा सा,
बस। और इधर बना दे रही हूँ, ये धनिया पत्ती डाल दिया, और इधर बना दे रही चावल, उधर दाल भी गरम कर दिया है। मेरा सब तैयार हो गया है, सब्जी, चावल, दाल और रोटी बनाने का मूड नहीं है, तो अब मैं चल रही हूँ, चावल हो जाए मेरा, चावल अभी क्योंकि थोड़ा सा पकने में 10 मिनट टाइम है, ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा फिर खाएंगे। आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं सीमा मिश्रा मिलती हूँ आपसे अगले नए ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।